नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एक बार सुपर टेट के लिए फिर से आपके सामने हाजिर होता हूं। लास्ट क्लास में हमने सुपर टेट के प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध देखा था, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा था कि सिलेबस में भले दिया है भारत स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन सवाल वो इधर उधर से भी पूछ लेता है। और हमने आपको 1757 और 1764 का युद्ध बताया था, ठीक। इसके बाद आज का जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे गांधी ने किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पहली महिला अध्यक्ष। अब आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भारत में राजनीतिक पार्टी जो आई वो कौन थी? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस जो है वो एक टॉपिक है हमारे इतिहास का, और उससे सवाल बन जाते हैं अक्सर। देखिए, भले उसने स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो कांग्रेस की भी तो भागीदारी है स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि लोग कहते हैं, इतिहासकार लोग कहते हैं कि भारत में कांग्रेस अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए लाए थे, लेकिन कांग्रेस लाना उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके साथ साथ ये भी गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन भारत की स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है, तो किसी राजनीतिक पार्टी का योगदान है, तो वो कौन सी है? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस के पहले भी कई सारी पार्टियां बनी थी, मानते हो थोड़ा डीप टॉपिक है तो आपके लिए उतना आवश्यक नहीं है, पर मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रहा हूं। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी है, इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, ये सब भी छोटे छोटे राजनीतिक संगठन थे। और भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, और अकबर द्वितीय जो था वो अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह भी था। तो कांग्रेस का जो मुद्दा था, थी तो राजनीतिक पार्टी, लेकिन इसके आने से भारत में बहुत ज्यादा ही सुधार हुआ। सुधार कैसे? जो अधिवेशन होते थे, समझने का प्रयास करते हैं, बच्चों की तरह समझते हैं दोस्त, आप खुद टीचर बनेंगे, आप खुद किसी बच्चे को भी पढ़ाएंगे और उसको भी समझाएंगे, तो बच्चों को समझाने से पहले बच्चा बनना पड़ता है, ठीक। तो समझिए मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस जो भारत में आया वो आया था राजनीतिक पार्टी के रूप में, लेकिन कांग्रेस के आने से फायदा ये हो गया, सबसे बड़ा फायदा, कि जो अधिवेशन होते थे उस अधिवेशन में जो अध्यक्षता का होती थी वो अलग अलग जगह पर अधिवेशन होते थे, और जब अलग अलग जगह पर अधिवेशन होते थे तो जो बुद्धिजीवी वर्ग जो अध्यक्षता करते थे वो क्या करते थे, अपनी बातों को आम जनता तक रखते थे, और आम जनता की जो समस्याएं, जो दिक्कतें हैं, जो सुझाव हैं, उसको वो खुद लेते थे। इसीलिए कांग्रेस आने के बाद जितने भी आंदोलन थे या आंदोलन रहे, जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां रहीं, जितने भी नए नए कार्यों के प्रस्ताव रहे, सब कांग्रेस अधिवेशन में ही पारित हुए। इवन भारत के स्वतंत्रता के लिए जो आखिरी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका भी प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही पारित किया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां या आंदोलनकारी जो मूवमेंट चल रहे थे, उनकी वजह सिर्फ अब एक छोटा संघ न बनकर संपूर्ण भारत हो गया, और इसके प्रचार प्रसार का सर्वाधिक जो श्रेय गया वो कांग्रेस को गया। और कांग्रेस जो है वो भारत में आया था, लाने वाला लॉर्ड डफरिन था, वो जरूर अपने स्वार्थ के लिए भारत में कांग्रेस लाया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता में कांग्रेस ने एक अच्छा रोल प्ले कर दिया। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं सुपर टेट की, वो एग्जाम दोस्त देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होता है हमें जज करने के लिए। जैसे इस बार टेट का जो रिजल्ट आया उसमें केवल 29% लोग ही पास हुए, मतलब 71% के आसपास लोग फेल हो गए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था, वो बड़ा लाजवाब था। क्योंकि अब जो भी सरकार है वो अगर आपको कुछ भी पद दे रही है तो आपकी योग्यता के आधार पर दे रही है, आप कितने योग्य हैं, आप कितने करने काबिल हैं। नहीं तो पहले कई सारे आप फेसबुक में वीडियो वगैरह या फोटो कर देते हैं कि टीचर्स सोते रहते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल की। लेकिन केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल को तो जन्नत बना दिया है दिल्ली में। तो मुद्दा क्या है मेरा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, ये मत समझिए कि मेरा एग्जाम छोटा है, यहां से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। ये
एग्जामिनर जो है जो समय सवाल बनाने का सोच रहा है वो भी नहीं बता सकता है कि वो कहां से सवाल दे देगा या कहां से सवाल आ जाएंगे। इसीलिए इस चीज को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि यहां से सवाल आएगा यहां से नहीं आएगा। तो हमने जैसे आपसे क्या कहा था कि 15 से 16 दिन में मैं आपके सारे इतिहास खत्म कर दूंगा, प्राचीन और मध्य को भी इंक्लूड कर दूंगा, ताकि जैसे पिछली बार प्राचीन से सवाल है आपके वो भी सवाल बाहर ना जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। एकदम टेंशन मत लीजिए, आप कहेंगे सर अधिवेशन बहुत ज्यादा है कैसे याद, नहीं बस गौरव पांडे एक छोटा सा ट्रिक आपको बताएगा और उसी ट्रिक से आप पूरे के पूरे अधिवेशन आप अपनी उंगलियों पे अपने दिमागों में याद कर लेंगे, बस छोटा सा ट्रिक, ठीक है, समझिए मेरी बात को। भारत में जो राजनीतिक पार्टियां छोटी छोटी गठित हो रही थी उसके साथ साथ भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1857 का विद्रोह हो गया था, उसके बाद छोटे छोटे जनजातीय विद्रोह हो रहे थे, किसान विद्रोह हो रहे थे, ठीक है, और बुद्धिजीवी वर्ग छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का गठन करके अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा कर रहे थे। इन तमाम चीजों से डफरिन तंग आ चुका था और डफरिन ने यह सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी लाई जाए या कोई ऐसी चीज लाई जाए जिससे भारत वाले उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाए और इनके आपसी ही बातों में फूट पड़ जाए। हुआ भी, डफरिन कुछ हद तक कामयाब भी रहा क्योंकि 1907 के सूरत का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया, राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और गांधी का जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी पट्टाभी सीतरमैया को लेकर, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये भी हुआ। हाँ, ये कुछ हद तक सफल थे, इस बात को हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन ये बस कुछ हद तक ही सफल रहे। ज्यादा हद तक जो सफलता मिली वो हम लोगों को मिल गई। तो यहां से हर एक पॉइंट ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों और इस पॉइंट से कहीं ना कहीं सवाल आपको मिल जाएंगे, चाहे यस टेट दे, चाहे सुपर टेट दे, सॉरी चाहे यस टेट दे, चाहे सी टेट दे, चाहे जो भी दे। मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा कि भारत में जो कांग्रेस आया वो कब आया, 1885 में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के। और कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है, समझिएगा, कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जनता का समाज या जनता का समूह। क्या होता है, जनता का समाज या जनता का समूह। भारत में जब कांग्रेस आया तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम बदलकर INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का जो श्रेय गया वो किसको गया, दादा भाई नेहरू जी। तो भारत में कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का श्रेय किसको जाता है, दादा भाई नेहरू जी को। और इसकी स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने कब किया, 1885 में, क्योंकि कांग्रेस भारत में कब आ रही है, 1885 में। यही नहीं, दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए, जो आपको प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है हम इन्हीं के साथ ही क्यों ना उनके बारे में पढ़ते चले, अलग से भी पढ़ लेंगे पर यहां से भी थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते चले। दादा भाई नेहरू जी जो थे ये एक पारसी व्यक्ति थे, ठीक, और इन्हें भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में कांग्रेस की स्थापना का श्रेय तो डफरिन को है, लेकिन इसके प्रति लोगों को जागृत करने का और इसके नाम को बदलने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, दादा भाई नेहरू जी को। लेकिन जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसी संस्था है तो इस संस्था का कोई डायरेक्टर है, जैसे आलोक सर है, रवि सर के मार्गदर्शन में हो रहा है सारी चीजें। उसी प्रकार क्या होता है कि जब कांग्रेस आएगी, कोई राजनीतिक पार्टी आएगी, तो उसका कोई सचिव होगा जो उसका मुख्य होगा। तो डफरिन ने दिमाग लगाया और उसने क्या किया कि एक यूरोपीय को कांग्रेस का सचिव बना दिया। और जिस यूरोपीय को इसने कांग्रेस का सचिव बनाया वो रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम AO ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। कभी भी आपसे पूछा गया
कि भारत में कांग्रेस का सचिव किसे बनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या AOU। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वो कहां होने वाला था, पुणे में। लेकिन पुणे में प्लेग फैला था, मेरी बात समझ जाएगा, पुणे में प्लेग फैला था, यही कारण है जो अधिवेशन है वो पुणे के स्थान पर कहां हो गया, बंबई हो गया। और इसी समय गांधी ने कांग्रेस सभा का गठन भी किया था। क्या ये सही लाइन है? नहीं, ये गलत है। 1885 में गांधी तो थे ही नहीं भारत में। तो कांग्रेस सभा का जो गठन भी हुआ वो कहां पर हुआ है, बंबई में हुआ है, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी सत्याग्रह सभा का गठन जरूर गांधी ने किया है, लेकिन कांग्रेस सभा का गठन गांधी ने नहीं किया है। मैं जानबूझकर ये लाइन इसलिए गलत बोला ताकि आप गलती ना करिए। कांग्रेस सभा का जो गठन है ये गांधी ने नहीं किया है, गांधी ने सत्याग्रह सभा गठन किया है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस सभा का गठन कहां हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस सभा का जो गठन हुआ था वो कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। क्योंकि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे से स्थानांतरित करके कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ, एकदम सही, बंबई में हुआ। और ये पहला अधिवेशन जो बंबई में हुआ ये व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। आपको सवाल ये अक्सर आया होगा, आप देखे होंगे या प्रैक्टिस सेट अगर आप कर रहे होंगे तो ये सवाल आपको जरूर मिल रहा होगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में हुआ या इनकी अध्यक्षता में हुआ। और कांग्रेस के सचिव कौन थे, तो कांग्रेस के सचिव थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था ये कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को, याद रखिएगा। तो मतलब क्या है कि कांग्रेस सभा का गठन बंबई में हुआ और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था ये पुणे में होने वाला था, लेकिन यहां पर प्लेग फैलने के कारण कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कहां हुआ, बंबई में हुआ। और गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ध्यान समझिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और कांग्रेस के जब अधिवेशन चालू हो गए तो ये अलग अलग स्थानों पर हुए और अलग अलग लोगों ने इसकी अध्यक्षता की, और हर अधिवेशन के अलग अलग महत्वपूर्ण बातें। सब लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना देंगे, उसमें जगह बता देंगे आपको, अधिवेशन बता देंगे, अध्यक्षता बता देंगे। लेकिन हम जो कॉलम बनाए हैं, मैंने जो बनाया है उसमें मैं आपको सारी बातें कवर कर दूंगा, और जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उन्हीं का कॉलम बनाया गया है। और एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा आज आपको, उसी से आप सारे अधिवेशन याद कर लेंगे, सारे के सारे अधिवेशन याद कर लेंगे। तो आइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना किसी को तो ले सकता है। चलिए, कांग्रेस के अधिवेशन देखिए। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो बंबई में हुआ था, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए, ये जरूरी बात है दोस्त, ये आपको हर एग्जाम में जरूर देगी। आप भले सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप और कोई भी एग्जाम भरे होंगे तो वहां पर भी आपको जरूर सहायता देगा, जरूर। रेलवे का एग्जाम दे रहे होंगे तो भी, या कोई और अगर स्टेट एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां भी बहुत ही ज्यादा ये आपको मदद देगा, और मेरे ट्रिक से आप सारी चीजें याद कर लेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में कहां पर हुआ था, बंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन का महत्व यह है कि जो ICS की परीक्षा होती थी उसकी मांग जो है की गई कि भारत में भी करवाई जाए, क्योंकि जो आज की डेट में IAS है, पहले उसका उस परीक्षा का नाम ICS था, और ये जो ICS परीक्षा ये ब्रिटेन में होती थी, लेकिन ये नहीं, हम भारतीय ब्रिटेन में जाकर भी टॉप करते थे। जैसे 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटेन में जाकर ICS की परीक्षा टॉप की है। क्या कहा मैंने, 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटेन जाकर, भाई लंदन जाकर ICS की परीक्षा टॉप की है। तो यहां इस अधिवेशन में यह मांग थी कि यह जो ICS की परीक्षा है यह भारत में होनी चाहिए। देखिए, यह वीडियो स्पेशली सुपर टेट के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि चीजों के लेवल को देखकर हम पढ़ाते हैं, ठीक।
जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ये भी याद रखना दोस्तों, जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो 1887 में हुआ था मद्रास। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। कभी भी आपको पूछा गया कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, पूछा जाता है जैसे प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ये तमाम चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो जो पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अर्थात 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर की थी? मद्रास में की थी। आइए अगले अधिवेशन पे चलते हैं। देखिए अगला जो अधिवेशन हुआ वो 1888 में हुआ। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। एओ ह्यूम नहीं थे दोस्तों, याद रखिएगा, एओ ह्यूम प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष नहीं थे, वो कांग्रेस के सचिव थे, गलती मत करिएगा। और प्रथम जो यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने कहां के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इलाहाबाद की। इसके बाद का जो अधिवेशन था वो क्या था? बंबई में हुआ था 1889 में। किसकी अध्यक्षता में? विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में। और विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ, खास बात क्या है कि प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। मतलब इसके पहले जो अधिवेशन होता था उसमें महिलाएं हिस्सा नहीं ली थी। कभी पूछा गया कि प्रथम बार किस अधिवेशन में महिलाओं ने हिस्सा लिया, तो आपका आंसर हो जाएगा बंबई के अधिवेशन में, जो कि विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। और यही विलियम बेडर ने एओ ह्यूम की जीवनी भी लिखी है। कभी पूछा गया कि एओ ह्यूम मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो जो कि क्या थे? कांग्रेस के सचिव थे। कभी पूछा गया कि एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेडरबर्न ने लिखी है। अगला जो अधिवेशन है वो है 1890 कलकत्ता में। ये फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हुआ था। खास बात इस अधिवेशन की यह है कि यह कोई ऐसा पहला अधिवेशन था जो किसी महिला के द्वारा संबोधित किया गया था। इसके पहले जो भी अधिवेशन थे वो किसी ना किसी पुरुष के द्वारा संबोधित होते थे, लेकिन ये वाला जो अधिवेशन था वो किसी महिला के द्वारा संबोधित किया गया। और वो प्रथम महिला जिसने किसी अधिवेशन को संबोधित किया वो थी कादंबरी गांगुली। एकदम ध्यान से लेक्चर सुनते जाइए, क्लास में ही आपको पूरा याद होता जाएगा। अगले अधिवेशन पर चलते हैं। अगला जो अधिवेशन था वो 1896 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला थे। इस अधिवेशन की खास बात क्या है कि वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो किसका है? बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का है, वो गाया गया। देखिए गाया किसने था? रविंद्रनाथ ने गाया था वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम था किसका? बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का था। और यही नहीं, जो दादा भाई धन के निष्कासन का जो सिद्धांत दादा भाई नरोजी ने पेश किया वो इसी अधिवेशन के समय पेश किया। हमेशा याद रखिएगा कि धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो दादा भाई नरोजी ने दिया है। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने लिखा है। वंदे मातरम गाया किसने था 1896 के अधिवेशन में? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला जो था वो भी अधिवेशन जरूरी है, जो 1901 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दीनसा वाचा, और गांधी ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। अध्यक्षता नहीं की थी, हिस्सा लिया था। आपसे सवाल इस प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अधिवेशन में गांधी ने हिस्सा लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1901 के अधिवेशन में, जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दीनसा वाचा की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अगले अधिवेशन। 1905 में क्या हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया था। ठीक, पढ़ाएंगे भी। और 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई, मतलब विरोध किया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता भी इसी अधिवेशन में कहा गया।
याद रखिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है वो भी बंगाल विभाजन के दौरान ही चलाया गया था। लेकिन पहले बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया 18 जुलाई 1905 को, फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अगला जो था वो था 1911 कलकत्ता, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन की खास बात क्या है कि राष्ट्रगान गाया गया। कई पूछा गया कि राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1911 को, ठीक। और यह क्यों गाया गया, क्योंकि 1911 में क्या हुआ था कि राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली की जा रही थी, और इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ठीक है, और वही इसी समय क्या गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया। अगला जो था वो 1912, देखिए ये उतना आपके लिए जरूरी नहीं है सुपर टेट वालों के लिए, लेकिन अगर आप और भी कोई एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये जरूर जरूरी है। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि ह्यूम को, एओ ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, एओ ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1912 बांकीपुर के अधिवेशन में। कहां के? बांकीपुर के अधिवेशन में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों बहुत जरूरी हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा ही। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपको कभी पूछ लिया जा सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। जैसे कि महिलाओं ने सर्वप्रथम कब हिस्सा लिया, तो 1889 में। जैसे कि आपसे पूछा गया कि कब सर्वप्रथम कब महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो आंसर हो जाएगा 1890 फिरोज शाह मेहता। तो एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1924 बेलगांव, इसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। यही नहीं, ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था, बेलगांव का एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। इसके अलावा इन्होंने किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। आइए अगले अधिवेशन पर चलते हैं। 1925 कहां हुआ था, कानपुर में। किसने अध्यक्ष किया था, सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू द्वितीय महिला अध्यक्ष थी, लेकिन खास बात यह है कि ये एकमात्र भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जैसे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, वैसे सरोजनी नायडू जो थी वो द्वितीय महिला थी, लेकिन एकमात्र भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसके बाद जो अधिवेशन है वो 1929 लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस जवाहरलाल नेहरू की खास बात यह भी है कि कभी भी आपसे पूछ दिया गया कि सर्वाधिक बार, समझना दोस्तों, सर्वाधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो या सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और यही नहीं, इसी अधिवेशन के बाद 31 दिसंबर 1929 को, समझते जाइए, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था, और ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसको आप रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो कभी पूछा गया कि सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा कब फहराया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। मैडम भीकाजी कामा वाला दूसरा है, उसको वहां पर पढ़ाएंगे, अभी यहां समझिए भारत के बारे में। तो कभी पूछा गया कि सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा कब फहराया गया, तो आप कहिएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया, और ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को
पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की क्या की है, अध्यक्षता भी की है। आइए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर अगला चलते हैं। अगला है 1931 कराची, किसके, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बरदौली सत्याग्रह के दौरान मिली थी। कभी पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली, तो बरदौली सत्याग्रह के दौरान। मौलिक अधिकार आपके संविधान में है ना, मौलिक अधिकार, तो पहली बार भारत में मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव लाया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची के अधिवेशन में लाया गया था। अगला जो था वो 1934 में बंबई में था, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। लेकिन 1937 ये खास है, 1937 का जो अधिवेशन था वो फैजपुर में हुआ था, और फैजपुर कहां है, महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र में। और यही नहीं, ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कभी भी आपसे पूछ दिया गया कि वह पहला अधिवेशन कौन सा था जो गांव में हुआ था, तो आप कहेंगे फैजपुर का अधिवेशन था, और अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आइए अगले अधिवेशन चलते हैं। अगला जो अधिवेशन था वो 1938 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। हरिपुरा जो है ये गुजरात में है, और त्रिपुरी जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, और हरिपुरा कहां है, गुजरात में। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने क्या किया था, नियोजन समिति का गठन किया था। लेकिन इसके बाद दूसरे अधिवेशन में क्या था कि चुनाव होना था, ये देखिए लिखा होगा, प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। इसके पहले मतदान नहीं होता था, डिसाइड किया जाता था कि हाँ ये बनेंगे वो बनेंगे। और जब मतदान हुआ तो गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतरमैया इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन जीत गए सुभाष चंद्र बोस, जिसकी वजह से गांधी ने कहा था कि मुझे बेहद दुख हुआ, इसके लिए, इनके लिए नहीं ये जीते, पट्टाभी हारे इसलिए। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि कहीं हमारे बीच में राजनीतिक मतभेद ना हो जाए, उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा देकर 1939 में इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया। और भारत की स्वतंत्रता के समय मतलब 1946 में मेरठ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी, और भारत की स्वतंत्रता के बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने। कभी पूछा गया कि 1946 का अधिवेशन कहां हुआ, तो आंसर होगा मेरठ, जेबी कृपलानी थे, ठीक। लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद जिसने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इसलिए जब भी आपको पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहते हैं जेबी कृपलानी, लेकिन ये गलत है। स्वतंत्रता के बाद वो सदस्य ही नहीं थे इस संगठन के, आपका एग्जैक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे आपके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं कैसे याद करना है, आप नोट्स में लिखते जाइएगा अपने। पहला अधिवेशन 1885 व्योमेश चंद बनर्जी, फिर दो साल बाद मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फिर अगली साल 1888 केवल इंपॉर्टेंट आपके लिए सुपरटेट वालों, ठीक है। तो पहला 1885 व्योमेश चंद बनर्जी बंबई में हुआ था, प्रथम अध्यक्ष थे और पहला अधिवेशन भी था। उसके दो साल बाद प्लस टू कर दीजिए, दो साल बाद 87 में मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फिर उसी के अगले साल 88 में इलाहाबाद जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। अब इसके बाद मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता का अधिवेशन याद करवा रहा हूं, मेरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के अधिवेशन याद करा रहा हूं, चार्ट वाले जो हैं। 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता,
पहली बार कोई अधिवेशन जो किसी महिला के द्वारा संबोधित किया गया। 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96, कलकत्ता, रहीमतुल्ला, वंदे मातरम गाया गया। फिर 6 में 5 जोड़ेंगे तो 1901, कलकत्ता, दीनसा वाचा, गांधी ने हिस्सा लिया। फिर 1 में 5 जोड़ेंगे 1906, कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। फिर 6 में 5 जोड़ेंगे 1911, कलकत्ता, राष्ट्रगान गाया गया। शुरू में कितना जोड़े थे? 6। लास्ट में फिर 6 जोड़ दीजिए, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 1917, कलकत्ता, एनी वेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो मतलब सिर्फ कलकत्ता के अधिवेशन आपको याद करवा रहा हूं, 1906 का अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और महिलाओं के जो याद करना है तो 1917 तक पहुंच गए, कौन थी? एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। 1917 में 8 जोड़िए, 1925 सरोजनी नायडू, तृतीय महिला अध्यक्ष। फिर 5, फिर 8 जोड़ दीजिए, 1933 नलिनी सेन गुप्ता, तृतीय महिला अध्यक्ष। मैं आपको नोट्स में बता दे रहा हूं, देखिए 1917, ये महिलाओं वाला याद करवा रहा हूं, कलकत्ता का नहीं, कलकत्ता का इसके पहले याद करवा दिया। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए, 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू, जिनको भारत का बुलबुल भी कहते हैं, भारत का नाइटेंगल, द्वितीय महिला अध्यक्ष। फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए, 1933 कलकत्ता, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, तृतीय महिला अध्यक्ष। समझ में आया? अब आप चाहें तो वो भी बता दे रहा हूं, 1890 कलकत्ता के अधिवेशन याद करवा रहा हूं, कौन थे अध्यक्ष? फिरोज शाह मेहता। कादंबरी गांगुली ने संबोधित किया था, इसमें मैंने कितना जोड़ने को कहा था? 6। 1896 रहीमतुल्ला, क्या हुआ था? वंदे मातरम गाया गया। फिर 5 जोड़ने को कहा था, 1901, ये भी कलकत्ता, कलकत्ता वाला याद करवा रहा हूं दोस्तों, दीनसा वाचा, गांधी ने हिस्सा लिया। फिर 5 जोड़िए, 1906 दादा भाई नौरोजी, स्वराज शब्द का प्रयोग। फिर 5 जोड़िए, 1911 बीएन धर, मतलब विश्व नारायण धर, क्या गाया गया था? राष्ट्रगान गाया गया था। शुरू में कितना जोड़े हैं? 6। लास्ट में फिर 6 जोड़ दीजिए, 1917 एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। फिर 8 जोड़कर महिलाओं का याद कर लीजिए। और एक और है, 1924 गांधी बेलगांव, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किए थे। ये ट्रिक है अधिवेशन याद करने का, ऐसे कई सारे ट्रिक है मेरे पास। समझ में आया? एक अधिवेशन जो है, जो वहां पर नहीं लिखा था जानबूझकर, वो समझाने के लिए कि 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के किनारे राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में, किसके? राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस 2 दलों में बट गया, नरम दल और गरम दल। लेकिन 9 साल बाद 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। तो कभी पूछा गया कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ, तो आप कहिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। और नरम दल गरम दल का आपस में विलय कब हुआ,
तो आप कहिएगा 1916 में अंबिकाचरण मजुमदार के उसमें। ये था कुछ कांग्रेस के महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण अधिवेशन। और अगर कांग्रेस से सवाल आया आपको दोस्तों सुपर टेट वालों, तो यहीं से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, इस बात का दावा करता हूं मैं। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ट्रिक लिखिएगा, फिर अगली क्लास में मैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, परेशान मत होइए, पढ़ाई करिए। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।